चलिए बुआ, तो आज पुनः हम लेकर आए हैं पाथरी का बैच, जिसका सेशन था 23 से 22 से 25। यह बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग थ्योरी, जो पेपर 6 में पढ़ना था, तो हम यहाँ हाईलाइट मार दिया है सिर्फ VBI क्वेश्चन। VBI क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन बैंक का 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। मतलब इसमें सिर्फ हम VBI क्वेश्चन दे दिया कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बैंक का सभी सवाल को टच करें। तो इसमें हम शुरू किया था रिंग थ्योरी, आज आपका क्लास नंबर 3 होगा। तो रिंग थ्योरी में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक तो यहाँ पर है, पहला थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमोर्फिज रिंग। ग्रुप में भी था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द ग्रुप, जो पूछता है। तो एक के बाद हम एक लैंग्वेज बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे थे पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी अगर आइडियर है तो दो आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा, दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होगा। तो वह हम आपको बताए थे, कहने का सेंस कोई भी अगर आइडियर है तो आइडियर का दो ही केस बताए थे, लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर, दोनों रूल को अगर पालन कर जाएगा तो वह आइडियर होगा। आइडियर का मतलब लेफ्ट आइडियर हो या राइट आइडियर हो। फिर फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना था, हम आइडियर के बारे में बताए थे, फंडामेंटल थ्योरम पर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो मोस्ट VBI थ्योरम है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और याद कीजिए बाबू, हम लोग के सिलेबस में है मोडुलो के बारे में। तो रियांशु, जिसका भी मोडुलो कहेगा निकालने के लिए ना, तो मोडुलो का मतलब जिसका भी मोडुलो कहेगा निकालने के लिए, तो कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे थे सारा चीज कि रिंग इंटीग्रल डोमेन आइडियल सबका मिक्स यूज पड़ जाता है कॉन्सेप्ट। वैसे कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि डिफाइन रिंग, डिफाइन फील्ड, डिफाइन इंटीग्रल डोमेन एंड सुटेबल एग्जाम्पल फॉर रिंग, मतलब ये तीनों का परिभाषा बताइए, या तीनों का परिभाषा बताइए। और उसके बाद कह रहा था कि रिंग पर कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, रिंग पर कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, है ना, तो थोड़ा मिक्स रहता है क्वेश्चन। लेकिन पिछले क्लास में हम बताए थे बुआ होमोमोर्फिक, जब आपने पढ़ा था वेक्टर स्पेस, तो वहां भी बताए थे, और यहाँ पर हम बता रहे थे आप लोग को, यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोग को रिंग थ्योरी। तो इसमें क्या क्या यूज होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया होमोमोर्फिक, वेक्टर स्पेस में उसी को कहते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमोर्फिक। तो होमोमोर्फिज का दो ही केस यहाँ बताए कि फाई कोई भी एक फंक्शन है, फाई है, टी है, भी है, कुछ भी है, और मान लो दो रिंग है आर और आर डैश, तो फाई सच डैश आर टेंस टू आर डैश, तो वह फाई एक फंक्शन होगा, राकेश जो कल मैंने बताया था। तो होमोमोर्फिज का केस दिया था कि फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी होते, और गुना केस में होता तो फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी बराबर फाई ए इंटू फाई बी। फिर मैंने बताया था आइसोमोर्फिज, तो आइसोमोर्फिज का कॉन्सेप्ट दिया था कि वह फंक्शन होमोमोर्फिज होना चाहिए, वह फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए, और वह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। होमोमोर्फिज पर कुछ कॉन्सेप्ट था कि मान लो कह रहेगा कि कोई भी फंक्शन है, कर्नल के बारे में बताते हैं कि सभी एलिमेंट का एलिमेंट 0-0-0-0 एलिमेंट होगा तो वह कर्नल हो जाएगा। तो कर्नल पर भी मैं क्वेश्चन बताया। फिर बहुत सा टाइप्स क्वेश्चन आएगा आपको,
जैसे मान लो कह रहा था कि फाई कोई भी एक फंक्शन है, वह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है रिंग में, रिंग मतलब आर इंटू आर डैश, मतलब आर का मान आर डैश में गया, वह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है। तो कहेगा प्रूफ करो कि फंक्शन फाई जीरो बराबर जीरो डैश, जीरो जीरो डैश, तो कहने का मतलब जीरो जीरो डैश भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आर के लिए हो गया बाइनरी ऑपरेशन जीरो, तो आर डैश के लिए जीरो डैश। वैसे जब ये रिंग है, बहुत सा लॉ को पालन किया, जब ये रिंग है तो वह एबेलियन ग्रुप होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, तो कहने का मतलब पांच लॉ है। वैसे रिंग के लिए आठ गो लॉ है, क्या क्या लॉ है मालूम नहीं है, रखे कि आठ गो नहीं होता है टाइप, नहीं आठ गो होता है तो रिंग होगा, है ना। सुनते हाँ तो रहा आठ गो बोले तो, अब कौन कौन है सो मालूम है ना, क्या जो भी हो। तो हम कहेगा यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर जीरो डैश प्रूफ करो, जहाँ जीरो डैश एलिमेंट है आर डैश का, फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए बराबर माइनस बारह जगह फंक्शन ऑफ फाई है, वह प्रूफ कहेगा करो कि वह एलिमेंट है या नहीं। तो मान लो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिएगा, हम पहले अभी बेसिक ही बता रहे थे बाबू, समझे ना, ये जो हम बता रहे हैं आपको यह बता रहे आज क्लास नंबर थर्ड। यह एक प्रॉपर्टीज है, तो कर्नर के बारे में बता दिए थे, अब यहाँ पर थोड़ा लिखिएगा कि कोई भी फंक्शन है वह होमोमोर्फिज फंक्शन है, होमोमोर्फिज के बाद कह रहा कि वह फंक्शन आइसोमोर्फिज्म है और कुसेंट है, तो कुसेंट का मतलब होता भागा। तो यहाँ थोड़ा यूज कीजिएगा, इस पर एगो थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए आएगा, समझ ना, ये थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इफ फाई इज ए होमो मॉर्फिज ऑफ आर इंटू आर डैश, फाई एक फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में गया, तब यहां से कह रहा देन प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो पहला नंबर कि फंक्शन फाई जीरो बराबर जीरो डैश, यहां से कहेंगे हम लोग होयर यह जीरो एलिमेंट है आर का एंड जीरो डैश एलिमेंट है आर डैश का। कल सारा कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ए एलिमेंट है आर का तो फंक्शन ऑफ फाई ए एलिमेंट है आर डैश का, इसका सेंस हुआ फाई कोई भी फंक्शन है यह होमोमोर्फिज्म है जो आर का मान आर डैश में गया, इसका मतलब हो गया यहाँ से कि मान लो यह आर है तो यह आर डैश का, इसका मान इसमें गया था, यही फंक्शन फाई है सच दैट आर टेंस टू आर डैश, आसान है। तो कह रहा प्रूव करो इतना, इसी में सेकंड नंबर कह रहा कि फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए बराबर माइनस फंक्शन ऑफ फाई, यहाँ से कह रहा कि हो या फॉर ऑल यह ए एलिमेंट है आर का, देखो कह रहा इसको प्रूफ करो। आंसर फर्स्ट लिखते भी जाएंगे, क्या कह रहा बाबू कि फाई एक फंक्शन है लेकिन वह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है, तो मान लो कि कह रहा कि जीरो एलिमेंट है आर का, जीरो एलिमेंट है आर का और एक और हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं, होमोमोर्फिज्म का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ फाई दुए को प्रॉपर्टीज था, क्या प्रॉपर्टीज था बाबू यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ फाई अगर ए प्लस बी है, इसका मान रखे फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी होगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर बताते फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी तो फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी होगा, यह दो केस होगा।
कह रहा कि यह फाई जो फंक्शन है ना, यह होमोमोर्फिक फंक्शन है, मतलब इस रूल को पालन कर रहा। और लेकिन तब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर जीरो दे, लेकिन जब यह रिंग है सभी लॉ को पालन कर रहा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जीरो एलिमेंट है आर का, यहाँ से दिया है बाबू गिवेन में, मान लिया कि गिवेन में कि जीरो एलिमेंट है आर का, एंड अपने मन से मतलब एंड लेट ए बी द एनी आर्बिटरली एलिमेंट इन आर, हम मान लिया ए भी, इसका मतलब दैट इज यह ए भी एक एलिमेंट है जो आर का, हम ए मान लिया, राकेश मेरा बी मान लेगा, सी मान लेगा, कोई भी एलिमेंट मान लिया, इसलिए यहाँ लिख दिया राकेश आर्बिटरली का मतलब इच्छा अनुसार। तो मान लो जीरो तो ऑलरेडी एलिमेंट है, उसे जीरो जीरो दस ये सब आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब आप ग्रुप पढ़े थे ना तो हम जानते थे राकेश कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, ई का मान जीरो और ई का मान वन, जीरो होगा प्लस के केस में, वन होगा गुना के केस में, लेकिन थोड़ा यहाँ मिक्स है, प्रॉपर्टीज है रिंग और ग्रुप थ्योरी सब सेम है, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे ना सिलेबस तो ग्रुप थ्योरी इतना ही में है, रिंग इतना में, मतलब ग्रुप से ज्यादा थोड़ा रिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन जब आप पातू में पढ़े होंगे हमसे ग्रुप एबरियन ग्रुप सब ग्रुप साइकिल, तो लैंग्वेज जरूर आसान लग रहा होगा, अपना भाषा में लिखा रहे थोड़ा, तो लिखते भी जाएंगे बाबू। तो पहला नंबर प्रूफ किए, तो अब बताओ किसी भी एलिमेंट में अगर जीरो एलिमेंट जोड़ते हो, पढ़ा था ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ, तो बताओ कि जीरो किसी भी एलिमेंट अगर यहाँ से लेते हो, इसका मतलब यहाँ से कहेंगे बाबू यह ए प्लस जीरो बराबर ए होगा क्या? इसीलिए अगर हम यहाँ से फंक्शन लेंगे, वी टेक फंक्शन फाई, यह जगह फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस जीरो बराबर फंक्शन ऑफ फाई है। अब बताओ यहाँ से दिया हुआ बाय द क्वेश्चन में क्या दिया कि सीन कि फाई इज ए होमोमोर्फिज, यह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है, जब यह होमोमोर्फिज्म है तो दो लॉ को पालन किया, तो इसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए। दिक्कत हो बोलिएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम इसको इतना लिख सकते थे फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर इतना, हो गया फंक्शन लगा इतना लिखा है, इसको मान लिया समीकरण को। फिर हम यहां से लेते हैं एल सो बुआ, अगर यहाँ ए प्लस जीरो तो ए हुआ राकेश, ए प्लस जीरो बराबर ए, अगर हम यहाँ पर ले ले कि जीरो प्लस ए तब भी तो ए होगा, इसमें भी अगर हम फंक्शन लगा दें फंक्शन ऑफ फाई जीरो प्लस ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई, और दिया हुआ यह जो फंक्शन है फाई इज ए होमोमोर्फिक, यह फंक्शन होमोमोर्फिक फंक्शन है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाई जीरो प्लस फंक्शन ऑफ फाई ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई, मान लिया समीकरण दिया। इसको इतना लिख सकते हो ठीक है, आप समीकरण
एक और दो से बताइए आप, यहाँ पर जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, और हम यहां से लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मान लो कि दायां पक्ष जब दोनों का बराबर है समीकरण एक और दो से, तो बायां पक्ष भी बराबर हो सकता, मतलब तीन सब आपस में बराबर होगा, समझे बुआ, इतना बराबर यह आ इतना बराबर यह, ए बराबर बी आ बी बराबर सी, सब आपस में ए बराबर बी बराबर सी, इसलिए हम यहाँ से दस या इस प्रकार या समीकरण एक दो से लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ फाइ ए प्लस फंक्शन ऑफ फाइ जीरो बराबर फंक्शन ऑफ फाइ ए बराबर फंक्शन ऑफ फाइ जीरो प्लस फंक्शन ऑफ फाइ ए। ये दाया पक्ष है तो बाया पक्ष बराबर है तो फाई ए, इससे यह निष्कर्ष निकल गया यह जो फाई जीरो जो फंक्शन है ना वह जीरो एलिमेंट हो गया किसका, आर डैश का, इसका मतलब यह हो गया है से, इससे मालूम कर गया कि दिस तो यह शो करता है तो दैट फंक्शन फाई जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, इसका मतलब हो गया इफ या जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, इसलिए यहां से कह देंगे हैं, इसका मतलब जब जीरो डैश एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ फाई फाई जीरो ना फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर हो गया जीरो डैश, यही प्रूफ करना था, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अगर सेकंड नंबर प्रूफ करोगे तो मान लो कोई भी एलिमेंट उसको भी बना सकते दो लाइन में, आसान है बाबू, थोड़ा खाली ध्यान दीजिएगा ना, अच्छा पहला नंबर ही प्रूफ किया है, सबका परिभाषा खाली समझा देते हैं ताकि सब अगर जानेगा ना, रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन स्क्रू फील्ड तो क्या होगा कि डिवीजन रिंग ये सब जानेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन में का सवाल क्रमबद्ध लेंगे भी तो कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन प्रयास करें क्रमबद्ध ही क्वेश्चन लेने का, हो गया बुआ। अगर हम यहाँ से सेकेंड नंबर प्रूफ करते अब मान लो यहाँ से हम करते हैं आंसर टू, तो आंसर टू तो क्वेश्चन नंबर दो यहाँ पर क्या कह रहा था, प्रूफ अगर कर रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ फाइव माइनस ए बराबर माइनस फंक्शन ऑफ फाइव, तो मान लिए हैं कि हम ए अगर कोई भी एलिमेंट है अगर आर का, अगर मान लो यह तो प्रूफ हो गया ना, अब हम प्रूफ कर रहे थे यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिखे थे, देखो आंसर टू तो हम मान लिया कि ए कोई भी आर्बिट्रली एलिमेंट है, मतलब ए एलिमेंट है आर का, और आर अगर रिंग है तो आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं आंसर टू के लिए कि लेट ए बी द एनी आर्बिट्रली एलिमेंट, मतलब इच्छा अनुसार हम ए माने, कोई जरूरी नहीं वो स्मॉल एक्स मान लेगा, ई बी मान लेगा चलेगा, तो हम मान लिया कि ए कोई भी एलिमेंट, यह ए जो एलिमेंट है ना वह मान लिया हम कि यह आर का है, यहाँ से मान लिया कि लेट ए एलिमेंट है आर का, यह आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ को पालन करेगा, तो इसका मतलब अगर ए एलिमेंट है बाबू तब यहाँ से आप कह सकते हो देन माइनस ए एल्सो एलिमेंट आर का,
इनवर्स लॉ में क्या हो जाएगा कि रिजल्ट होना चाहिए जीरो। सिंपल सी बात है ना, अगर ए एलिमेंट है तो माइनस ए भी एलिमेंट होगा। कह रहा है ना कि अगर रिंग होगा तो वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो पांच लॉ को पालन करते वो भी प्लस के केस में। अरे रिंग का परिभाषा बता रही है आपको, तो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में, सेमी ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ में नहीं हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए तब ना जीरो। मान लिया अगर ए एलिमेंट है, अगर ए एलिमेंट है आर का, तो माइनस ए भी एलिमेंट होगा, माइनस ए भी एलिमेंट होगा उसका। अब बता इनवर्स लॉ से अगर दोनों को जोड़ते हो यहाँ से, तो ए प्लस माइनस ए मान जीरो। ए प्लस बी, अब बी की जगह माइनस है, तो ए प्लस माइनस ए का मान जीरो आ गया। अब इसमें अगर फंक्शन लगा देते हो यहाँ से, फंक्शन ऑफ फाई, यह हो जाएगा ए प्लस माइनस ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई जीरो। और यहाँ से दिया हुआ है कि क्योंकि फाई इज ए होमोमोर्फिक, जब यह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है तो आप कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए बराबर फंक्शन ऑफ जीरो। अगर यह फंक्शन होमोमोर्फिज्म है तो आप इतना लिख सकते हो। अब बताइए यह फंक्शन अगर होमोमोर्फिज्म है तो हम इतना लिख दिए, इसको मान लिया समीकरण एक। फिर अगर कोई कहेगा आपको यहाँ पर, जैसे लिया यहाँ से, आल्सो माइनस ए प्लस ए लेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। इसमें भी फंक्शन लगाओगे, फंक्शन ऑफ फाई, तो माइनस ए प्लस ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई जीरो। जगह फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई ए बराबर फंक्शन ऑफ जीरो, इसको मान लिया समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो से देख रहे हैं कि सब का मान आपस में बराबर है। यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, यह जगह फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई जीरो बराबर फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई। अब एक चीज याद करो ध्यान से, हम कह दिया कि जब फंक्शन ऑफ फाई ए है, तो अगर ए एलिमेंट है आर का, तो फंक्शन ऑफ फाई ए एलिमेंट होगा आर डैश, यहाँ से कहेंगे फोर ऑल फंक्शन ऑफ फाई ए, यह एलिमेंट है आर डैश का, यह आर डैश का एलिमेंट है। इनवर्स लॉ से इसका मान जीरो आ गया, ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो, तो इनवर्स लॉ से इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब दस। इस प्रकार कि फंक्शन ऑफ फाई माइनस ए बराबर माइनस फंक्शन ऑफ फाई ए हो गया, यही तो प्रूफ हो गया, तब ना रिजल्ट जीरो आ गया। समझने दो यार, बुआ एक आता है क्वोशेंट रिंग, किसे कहते हैं? लिखा देता बुआ क्वोशेंट रिंग किसे कहते हैं?
लिखो क्वोशेंट रिंग, क्वोशेंट रिंग को ही दूसरे केस में कहा जाता है रेसिड्यू क्लास रिंग या क्लासेस रिंग, इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता और रेसिड्यू क्लास रिंग हुआ रेसिड्यू क्लास रिंग। जब आप मॉडलों के बारे में जानते होंगे तो रेसिड्यू क्लासेस के बारे में जानिएगा, जानते हो उसे सेट थ्योरी में ही पढ़े थे। तो क्वोशेंट रिंग का परिभाषा हम मान लेते हैं कि R कोई भी एक रिंग है और S कोई भी एक आइडियल है उस R का। तो आइडियल के बारे में हम बता दिए, तब वह जो टर्म्स होगा क्वोशेंट, क्वोशेंट का मतलब ही होता भागा। अगर हम आपको पहला थ्योरम पढ़ाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग, तो क्वोशेंट रिंग का यूज पड़ेगा R बाई S। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम पहले थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो क्वोशेंट रिंग, क्वोशेंट रिंग का परिभाषा लिख लो। मान लिया R कोई भी एक रिंग है और S कोई भी एक आइडिया है। तो आइडिया दो प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडिया और राइट आइडिया। सीधा हम आइडिया लिखा तो लेफ्ट भी हो सकता राइट भी हो सकता, इसका परिभाषा लिखा जाए। महबूब समझ में आ रहा है? महबूब के नवाब लेट लिखा जाए इसका परिभाषा बाबू कि लेट आर बी द एनी रिंग। हम मान लिए आर कोई भी रिंग है एंड एस बी द एंड एस बी द S be the any idea of R। अब मान ले S idea है, तब कह रहा then the algebraic terms ले, then the algebraic अलजेब्राइक मतलब बीजगणितीय, देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर यह हो गया आर बाई एस कॉमा प्लस कॉमा इनटू आर बाई एस मतलब क्वोशेंट, क्वोशेंट का मतलब भागा। आइए यह बाउंड्री ऑपरेशन कैसे पढ़े थे आप? ग्रुप का परिभाषा कि लेट जी बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टू बाउंड्री ऑपरेटर प्लस और गुणा या प्लस देन द सिस्टम, यहाँ पर अलजेब्राइक न लिखा देन द सिस्टम, यह भी सबको देन द सिस्टम आर बाई एस कॉमा इतना कॉमा इतना, यह बाउंड्री ऑपरेशन का साइन है। इतना इज कॉल्ड है ना, यही कहलाएगा आपको इतना इज कॉल्ड रिंग, या क्वोशेंट रिंग कहलाएगा। तो क्या कंडीशन होगा? क्वोशेंट रिंग होगा ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द आइडियल एस। तो आर बाय एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है यही ध्यान देना आपको। यहां से हम लोग कहेंगे बताएंगे अभी हो यार, या आर बाई एस का मतलब हो गया, आर बाई एस का मतलब यह एक सेट है मान लो ए प्लस एच, तो ए प्लस एच सच दैट यह ए एलिमेंट है आर का। इसी को कहा जाता क्वोशेंट रिंग। मतलब इसको आप कैसे डिनोट करोगे यही चीज ध्यान देना, सवाल में भी यूज पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ से एक सेट बना दिया और इसी को हम कहेंगे इसका मतलब हो गया, यहाँ से लिख देते बाबू एंड
डिफाइंड या आर बाय एस है ना, या किस तरह से डिफाइंड, देखिए डिफाइंड एच आर बाय एस का मतलब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि ए पहला नंबर कि ए प्लस एस प्लस बी प्लस एस, और सेकेंड नंबर में गुना केस में मान लेंगे जगह ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस, यहाँ एस आइडियल है, ए और बी जो है ना यह एलिमेंट है आर का, यानी आप यहाँ से कह सकते हो यहाँ से होयर यह ए और बी एलिमेंट है आर। सवाल भी है इस पर, या यही पहले हो जाएगा एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, हम पहले दिया तो ए प्लस एस प्लस एस प्लस बी, तो इसका मतलब यह होता है यह एस कॉमन हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एस, जैसे यहाँ गुना है तो ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस है तो इसका मतलब यह हो जाएगा ए इंटू बी प्लस एस, गुना रहे ना तो गुना में हो जाएगा, यानी यार ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस ए इंटू बी प्लस एस, ए प्लस एस और बी प्लस एस तो ए प्लस बी प्लस एस, अगर यही रहेगा एस प्लस एस प्लस बी तो यहाँ लिखेगा एस प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब इसी को क्वेश्चेंट रिंग कहा जाता। इस पर सवाल भी है बाबू, सवाल हम लेंगे, अभी सवाल नहीं ले रहे, तो कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे ना कि सब अगर एक साथ सीख जाएंगे ना तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बुआ एक होता था प्रिंसिपल आइडियल, सवाल में यूज पड़ेगा जब क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता, मान लो कोई भी एक आइडियल है तो आइडियल का मतलब एस, मान लो कोई एक आइडियल है और आर कोई भी एक रिंग है, वही आइडियल अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल आइडियल होगा तो क्या कंडीशन होगा, इसका मतलब कोई भी हम एक सिंगल एलिमेंट मान लेंगे जो आइडियल का होगा, यानी कोई सिंगल एलिमेंट होगा उसका एस का, तो उसी को कहा जाता प्रिंसिपल आइडियल, या कोई भी आइडियल है आर का अगर वह प्रिंसिपल आइडियल होगा इसका मतलब होता कोई भी एलिमेंट वह आइडियल होगा जो सिर्फ एगो एलिमेंट कॉन्टेंट उसमें होना चाहिए एस में, मतलब एगो एलिमेंट होना चाहिए कम से कम, प्रिंसिपल आइडियल को आप इस तरह से समझ सकते हो, लिख लिया होगा, लिखो तो क्लियर हुआ बाबू, सवाल भी लेंगे हम, ए प्लस एस एस बी प्लस एस है तो यह एस तो आइडियल हो लो आ ए और बी एलिमेंट हो गया आर का, तो ए प्लस बी अब ब्रैकेट में और फिर एस गुना है तो ए इंटू बी प्लस एस, सवाल भी बनेगा इस पर। चलो अब हैदी मारिए, तो एक आता है यहाँ पर प्रिंसिपल आइडिया, प्रिंसिपल आइडियर का मतलब हुआ लिखो कि कोई भी एक आइडियर है, कोई भी एक आइडियर है किसी भी रिंग का वह प्रिंसिपल आइडियर होगा उसमें हमेशा कम से कम एगो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। अब कभी कोई कहेगा कि कोई भी रिंग है वह यूनिटी होगा वन एलिमेंट होगा है ना, यूनिट आइडियर नल आइडियर मतलब जीरो एलिमेंट हो जाए, उसे बाद में आएगा, तो प्रिंसिपल आइडियर का परिभाषा लिख लो एन आइडियर एस एन आइडियर एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी ए प्रिंसिपल आइडियर, प्रिंसिपल आइडियर वो कब इफ इट इज जनरेटेड बाई
ए जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ऑफ एफ, मतलब एगो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। सिंगल मतलब कोई भी एक एलिमेंट, इसका मतलब मान लेते हैं दैट इज, मान लिया यह ए अगर एलिमेंट है एस का, तब इसी को लिखेंगे देन यह एस बराबर यह हो गया ए, ऐसे भी लिख सकते हो, यह प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। बुआ जब आप पढ़ चुके हो जीरो डिविजर, नो जीरो डिविजर, तो एक आता है इसमें प्रिंसिपल आइडियल, अब आएगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग इसमें क्वेश्चन सब है, देखिए क्वेश्चन बैंक देखबे करते हो, सब एक साथ दे दिया है तो सबका थोड़ा झलक दिखा रहे हैं, समझे राकेश, झलक दिखा रहे हैं, है ना, इन्हें समझना कि आओ सना मैं जाओ सना। लिखा प्रिंसिपल आइडियल रिंग, बुआ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, बुआ प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बुआ प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए, अभी मैंने कहा कि कोई रिंग है प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा तो वह जो रिंग है ना वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। रिंग तो होना ही चाहिए लेकिन कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए गुना के केस में। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग तो कम्यूटेटिव रिंग समझ गए, लिखा ए कम्यूटेटिव रिंग इसका परिभाषा लिखेंगे बाबू कि ए कम्यूटेटिव रिंग, मान लिया आर, यह आर एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है विथ विथ यूनिटी हैविंग नो जीरो डिविजर, जीरो डिविजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडिया रिंग, नो जीरो डिविजर, प्रिंसिपल आइडिया की परिभाषा हो इसका मतलब कोई भी आइडिया होगा, नोट में याद रखें कि कोई भी आइडिया है होगा तो वह आइडिया प्रिंसिपल आइडिया होगा, क्योंकि नो जीरो डिविजर है तो आप नोट में लिख सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो इफ एवरी आइडिया, प्रत्येक आइडिया किसी भी रिंग का वह प्रिंसिपल आइडिया होगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब इफ एवरी आइडिया ऑफ द रिंग आर, मतलब आर कोई भी एक रिंग है और उसका कोई भी आइडिया होगा तो वह क्या होगा, इट्स इफ एवरी आइडिया ऑफ द रिंग आर इज ए प्रिंसिपल आइडिया, इसका मतलब हुआ किसी भी रिंग का जो आइडिया होगा ना वह प्रिंसिपल आइडिया होगा।
क्वेश्चन भी आता है कि एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आरियर रिंग, करा कोई भी फील्ड है क्या वह प्रिंसिपल आरियर रिंग होगा? कहेगा कोई भी एक रिंग है इंटीजर का सेट है, द रिंग ऑफ द इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आरियर रिंग। तो हम क्वेश्चन लेंगे, एक आता बाबू डिवीजन इन एन इंटीग्रल डोमेन। डिवीजन का मतलब भागा, जैसे एक्स में वाई से भागा दिया, बी में ए से भागा दिया, बुआ एक आता है यहाँ पर जब आइडिया सीख गए तो एक आता है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या होता? समझ में आ रहा? क्वेश्चन अभी जान के नहीं ले रहा है कि जब आप क्वेश्चन बैंक सामने है, क्वेश्चन देखोगे ना तो एक क्वेश्चन में सबका यूज पड़ता है। कम से कम आप परिभाषा जानोगे, कॉन्सेप्ट वहां व्हाट हैपन नहीं रहेगा। इधर देखो राकेश, कहाँ ध्यान है तेरा यार? व्हाट हैपन का मतलब क्या हुआ है ना? क्या नाम है उसका दोस्त के घर गया, नाम भूल गए अभी, आशीष है ना, आशीष तुमको देख लेगा, मतलब आशीष समझ लेना। नहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा, आपको कहाँ से आया, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं समझा? मैं तू मेरा बात नहीं समझता है, लेकिन मैं तो मस्ती का बात समझता है। बाबू एक होता प्राइम आइडिया, तो प्राइम आइडिया का मतलब हुआ, एक होता बाबू यहाँ पर प्राइम आइडिया। प्राइम आइडिया का मतलब कि मान लो कोई भी एक रिंग है, लेकिन वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, और कोई भी आइडिया है वह सरा गया, वह आइडिया अगर आर के बराबर नहीं होगा तो उस केस को प्राइम आइडिया कहा जाता। लेकिन जैसे मान लो कि ए और बी एलिमेंट है एस का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट, ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। लेकिन जब एस का होगा तो आर का एलिमेंट होगा ही, जब ये एस आइडियर है बाबू तो एस सबसेट होगा आर का, नहीं एस सबसेट होगा आर का, तो उसका एलिमेंट होगा ही। इसका परिभाषा थोड़ा लिख लिया जाए कि मान लो कोई भी एक रिंग है, लेकिन वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। लिखा परिभाषा, लेट लेट आर बी ए, बी द बी ए कम्यूटेटिव रिंग। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है, तब यहां से कहेंगे देन एन आइडियर एस। मान लो एस कोई भी आइडियर है, लेकिन वह आइडियर वह कम्यूटेटिव रिंग के बराबर नहीं है, एस बराबर नहीं है आर का, इज सेड टू बी ए प्राइम आइडियर। यह प्राइम आइडियर होगा, यह प्राइम आइडियर होगा तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कहेंगे इफ मान लो ए और बी, मान लो ए इंटू बी एलिमेंट है एस का, मान लो ए इंटू बी अगर एलिमेंट है एस का, इसका मतलब हो गया इम्प्लाई दैट, इसको इम्प्लाई दैट पढ़ते थे, इम्प्लाई दैट आइडर या ए बराबर जीरो, सॉरी जीरो कहा गया, गलती हो गया, ए ए एलिमेंट है एस का, ए एलिमेंट है एस का, या बी एलिमेंट है एस का।
लेकिन यहाँ से कहेंगे जब एस है, एस आइडियल है रियांशु, आइडियल सबसे रिंग का सबसेट होगा ही, जब एस का एलिमेंट है इसका मतलब वह आर का भी एलिमेंट होगा। यानी यहाँ से कह सकते हो फोर फोर ऑल, या तो ऐसे लिखो फोर ऑल, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी फोर ऑल, या ए और बी एलिमेंट है आर का, जब एस का है तो आर का होगा ही। हाँ तो बुआ, अब इसी में देखिएगा क्वेश्चन एक आता है एम्बेडिंग रिंग, एक रुदिन फैक्टराइजेशन है ना, तो एम्बेडिंग रिंग वो सब भी क्वेश्चन पूछता है उससे, लेकिन उससे पहले अब है ना मैक्सिमर आइडिया, जो प्राइम आइडिया बताया ना, एक होता है मैक्सिमर आइडिया क्या होता, तो मैक्सिमर आइडियल पर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सब मिक्स है, अगर आप ग्रुप रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन एसक्यू फील्ड अगर इस सब का परिभाषा जानते हो, मैंने कि आप ग्रुप जानते हो तो समझो कि सब कुछ सीख है। जैसे हम ही बताएंगे ग्रुप थ्योरी, तो वहां पर है नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, तो नया चीज है, तो नया कुछ नहीं। अगर आप ग्रुप जानते हैं तो अभी नॉर्मल सब ग्रुप जानिएगा, तो रूप चेंज है, तो रहने दीजिए आज इतना ही। तो बाबू ये बैच है ना कर देंगे, 2:15 चलेगा नहीं कल के, नहीं ये बैच जो 3 बजे पढ़ा रहे ना आप, 2:15 नहीं 2:20 में आ जाओगे मान लो, 2:30 बजे शुरू करेंगे, लेकिन 2:15 कहेंगे तो नहीं समझे, सब कुछ आ जाए ना 2 अति में खत्म कर देंगे। तो आज पहले इतना रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन बताएंगे।